ये कहानी है एक किसान और उसके जादुई घड़े की। किसी दूर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राम। राम बहुत ही अच्छा और समझदार आदमी था। उसकी 5 एकड़ जमीन थी। अच्छा किसान होने के बावजूद भी उसके खेत में वो अनाज नहीं उगा पा रहा था, जबकि बाकी किसान फसल की कटाई भी करते और बीज भी बोते। राम हर रोज कुदाल चलाता और चलाता, पर उसकी जमीन बंजर ही रहती। ओ राम, तुम हर रोज क्यों कुदाल से खोदते हो? इस जमीन ने तुम्हें आज तक अनाज का एक दाना भी नहीं दिया। तुम्हें यह जमीन बेचकर किसी और जगह नई जमीन खरीदनी चाहिए। मगर भाई, ये जमीन तो मेरे पुरखों की है और वो इसी जमीन पर खेती किया करते थे। मैं जरूर कोई गलती कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश करता रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है भाई। राम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता था। उसने कई दिन तक खाना भी नहीं खाया, सिर्फ फल ही खाता था। राम ने हिम्मत नहीं हारी, वो हर रोज कुदाल चलाता रहा। मैं तब तक कुदाल से जमीन खोदता रहूंगा जब तक मेरी जमीन कोई अनाज नहीं उगाती। मैं हर साल बीज बोता हूँ, आखिर ये बीज जाता कहाँ है? राम कुदाल चलाता रहा, चलाता रहा। मैं बहुत थक गया हूँ। राम ने पूरे खेत में कुदाल चलाई। आखिर दोपहर के समय उसने आराम करने की सोची। भूखा होने के कारण राम कुदाल नहीं चला पा रहा था। वो अपना काम रोकने ही वाला था कि उसकी कुदाल जमीन में किसी चीज से टकराई। ये क्या है? ये आवाज तो किसी धातु की लगती है। ओह, कितना बड़ा घड़ा है। बड़ी अजीब बात है, भला कौन ऐसे धातु का घड़ा जमीन के इतने नीचे गाड़ सकता है? ये तो हद ही हो गई। राम को लगा कि उसकी इतनी कड़ी मेहनत बिल्कुल बेकार गई है। उसने अपनी कुदाल घड़े में फेंकी। और पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। अब तो मुझे ये जमीन बेच ही देनी चाहिए। मैं कब तक ऐसे भूखा रहूंगा? ये बंजर जमीन मुझे कभी कुछ नहीं दे सकती। राम पेड़ की छांव में आराम से बैठकर फल खाने लगा। उसे भूख बहुत ज्यादा लगी थी और फल थे बहुत ही कम। वो घंटों वहां बैठकर अपनी जमीन के बारे में सोचता रहा और उदास हो गया। उसे पता था कि उसे अब जमीन बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये पुरखों की जमीन मुझे बेचनी ही होगी। मुझे अंधेरा होने से पहले घर चलना चाहिए। राम अपनी कुदाल लेने जैसे ही घड़े के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। ये क्या? ये यहाँ किसने रखा होगा? मैं तो सारा दिन यहीं पर था। राम ने देखा कि घड़े में 100 कुदालें थी जैसी उसके पास थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इनमें से उसकी कुदाल कौन सी है। ये नहीं हो सकता, क्या ये जादुई घड़ा है? मुझे और कोशिश करनी चाहिए। राम ने वो 100 कुदालें बाहर निकाली और घड़े में एक अंगूर का दाना रखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब एक अंगूर का दाना 100 अंगूर के दाने बन गए। ये तो सचमुच जादुई घड़ा है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, इसे घर ले चलता हूँ। ये तो बहुत ही भारी है, इसके लिए रस्सी लगेगी। राम ने रस्सी का एक छोर घड़े से बांधा और दूसरा अपनी कमर से। फिर वो घड़े को घसीटता हुआ घर की ओर चल दिया। रास्ते में वो सोचता रहा कि घड़े में और क्या क्या चीजें डाली जाए। सबसे पहले मैं एक अंडा रखता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है और मैं सिर्फ फल ही तो खा रहा हूँ। राम तुरंत बाजार गया और अपने बचाए हुए पैसों से एक अंडा खरीदा। फिर उसने वो अंडा घड़े में रखा और देखते ही देखते घड़ा अंडों से भर गया। राम बहुत खुश हुआ। उसने अपने लिए 2 अंडे पकाए। मैंने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा, पर मैं इन बाकी बचे अंडों का क्या करूंगा? मैं ये अंडे बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। तब राम को समझ आया कि ये घड़ा उसे खाना ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी मदद कर सकता है। राम ने घड़े में कई प्रकार की वस्तुएं डाली।
जब उसे कपड़े की जरूरत पड़ती थी तो वो एक छोटा कपड़े का टुकड़ा घड़े में डालता। तुरंत घड़ा उसे 15 लोगों के लिए कपड़ा दे देता। अगर उसे कमीज की जरूरत पड़ती तो घड़े में एक कमीज रखता और घड़ा उसे 100 कमीज देता। इस तरह राम अनाज, फल और मसाले घड़े में डालता रहा और घड़ा भी उसे बहुत सारी चीजें वापस देता। गांव वाले राम की इस तरक्की से हैरान हो गए, पर किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चला। राम हमेशा अपना घड़ा घर के एक कोने में कपड़े से ढक कर छुपा के रखता था। एक दिन राम ने घड़े की परीक्षा लेनी चाही। उसने घड़े में एक मुर्गी रखी ये देखने के लिए कि क्या होता है। अचानक घड़े से 100 मुर्गियां पंख फड़फड़ाते बाहर आने लगी। राम का घर मुर्गियों से भर गया। हर तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां। ओह, मैंने एक मरी हुई मछली डाली होती तो अच्छा होता। ओह, अब मैं इतनी सारी मुर्गियां कैसे पकड़ूंगा। राम ने मुर्गियों को पकड़ना चाहा, पर नाकाम रहा। कभी वो मेज पर तो कभी चारपाई पर बैठ जाती। एक तो उड़कर उसके सर पर बैठ गई। ओह, हट जाओ, चलो सब यहाँ आओ। लेकिन मुर्गियां डरी हुई थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ सारी जगह फैल गई। तभी अचानक रुक जाओ, और एक मुर्गी उड़कर घड़े में जाकर बैठ गई और फिर से उसमें से 100 मुर्गियां उड़ उड़कर बाहर आने लगी। मेरा घर तो मुर्गियों का पिंजरा बन गया है, अब मैं क्या करूं? राम ने झट से घड़े को ढक दिया और एक कोने में रख दिया। फिर वो घर से भागा, मुर्गियां भी उसके पीछे भागी। गांव वाले इतनी सारी मुर्गियां राम के घर से बाहर निकलते देखकर हैरान हो गए। हाँ? इतनी सारी मुर्गियां? मुझे घड़े को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन राम को पता नहीं था कि राजा का एक सिपाही उसकी बातें सुन रहा था। उसे घड़े के बारे में पता चला और तुरंत राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी बता दी। इतनी सारी मुर्गियां, वो भी एक घड़े से, ये कैसे हो सकता है? वो जरूर कोई जादुई घड़ा होगा। तुरंत राम को और उस घड़े को यहाँ ले आओ, वो शाही खजाने का हिस्सा है। राम समझ गया कि राजा ने उसे घड़ा लेकर क्यों बुलाया है। ये राजा तो बहुत ही लालची है, शायद उसे सारा धन खुद के लिए चाहिए। वो घड़ा यहाँ ले आओ। ये तो वाकई काफी बड़ा है। पर ये घड़ा इतनी सारी मुर्गियां कैसे दे सकता है? जरा देखूं तो इसके अंदर क्या है। अरे नहीं, रुकिए! पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही राजा ने घड़े के अंदर झांका, वो फिसल गया और घड़े में गिर गया। अब अंदर से 100 राजा घड़े से उछल उछल कर बाहर आने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वो सब आपस में लड़ने लगे। ये मेरी राजगद्दी है, हट जाओ वहां से। नहीं, ये मेरी है, मैं राजा हूँ। नहीं, ये मेरा राज्य है। पूरा राजमहल राजाओं से भर गया। अरे अपने राजा को बचाओ। हाँ, पर इसमें से असली राजा कौन है? सिपाही अपने राजा को नहीं पहचान पाए और राजा एक दूसरे से लड़कर मर गए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया, क्योंकि अब राज करने के लिए राजा ही नहीं बचा था। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर घड़े के पास गया और उसे जमीन पर पटक दिया। पर अब राम के खेत में फसल लहरा रही थी। उसने खेती बाड़ी शुरू की और खुशी खुशी मेहनत करके जीवन जीने लगा।